Hello students, I am Priyanka, your mentor. Today we'll start with the chapter 9 that is our food. Let's kick start. Which fruits and vegetables do you like to eat? Right below. Fruits, vegetables. Now, India is a vast country having varied physical features. The climate, the soil the distribution of rainfall is different in different parts. For this reason, different types of crops are grown in different parts of India. The food crops that are eaten more in a particular region become the staple diet of that place. For example, North Indians like to eat chapati, puri, paratha, एट्सेट्रा मेड ऑफ व्हीट फ्लो इंडिया जो है वो एक वास्ट कंट्री है और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन सॉइल्स की कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिफरेंट है डिफरेंट यहाँ पे हर एक स्टेट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर दिस रीज़न इसी रीजन से इंडिया में हर जगह पे एक जैसा क्रॉप नहीं उगाया जाता हर स्टेट में अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग होती है और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में चपाती पूरी पराठा खाया जाता है मतलब आटे की बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया लाइक टू ईट food items made of maize jowar bajra etc in south india the staple diet of people is rice they eat food items made up of rice example dosa idli etc in east and north india also rice is the staple diet of the people besides cereals pulses fruits and vegetables are eaten In every part of India, fruits and वेजिटेबल are very good for our health and hence form an important part of our diet. जो वेस्टर्न इंडिया के जो पीपल हैं वो उन चीजों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो मेज जवार और बाजरा से बनी होती हैं साउथ इंडिया में चावल से बनी चीज़ों को ज्यादा पसंद किया जाता है जैसे डोसा और इडली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं वो वहाँ की स्टेपल डाइट है और सीरियल और पल्सेस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये एक ऐसी चीज़ है जो हर पार्ट में खाई जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड जितने भी फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं नाउ इट्स टाइम फॉर टेट्स एंड बिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द प्लेस एग्जाम्पल एप्पल्स आर ग्रोन इन कोल्ड एरियाज लाइक कश्मीर ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर एंड सो ऑन फूड क्रॉप्स सीरियल पलसेस fruits vegetables cereals is rice wheat maize javar bajra etc pulses are green gram chickpeas and lentils fruits are apple banana pomegranate orange etc vegetables are cauliflower brinjal peas

जाती हैं जैसे एप्पल सेब संतरा और अंगूर जो हैं वो सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन मैंगोज एटसेट्रा आर अवेलेबल इन द समर सीजन फल जैसे तरबूज और आम वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही मिलते हैं इन बिग सिटीज

पूरे साल ही अवेलेबल रहते हैं और मिलते हैं कुकिंग ऑयल एंड स्पाइसेस। वेजिटेबल ऑयल और घी इज यूज फॉर कुकिंग फूड इंडिया प्रोड्यूसेस अ ऑफ़ वेजिटेबल ऑयल्स सच एज कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल ग्राउंडनट ऑयल तेल ऑयल सोया ऑयल सनफ्लावर ऑयल घी इज क्लैरिफाइड बटर नाउ स्पाइसेस Spices are an important part of an Indian food. India produces a very large variety of spices such as chilies, black pepper, cloves, cardamom, turmeric. The spices make the food tasty. The Indian food is liked in many countries due to flavor imparted by spices. Spices masalo ko kaha jata hai, pisiwi, kali mirch, लाल मिर्च लौंग जीरा इलायची हल्दी गरम मसाला ये सब हमारे स्पाइसेस होते हैं ठीक है और इन्हीं स्पाइसेस से हमारा जो खाना है वो टेस्टी बनता है और बाकी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है नाउ इट्स टाइम टू टेट्स एंड बेट्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन जिंजर एंड चिलीज स्वीट्स sweets are mostly made from wheat flour milk cheese almonds cashew nuts etc some sweets such as burfis laddu rasgulla gulab jamun etc are very popular some types of sweets are available in the every part of india cakes and pastries are now popular in india स्वीट जो होते हैं स्वीट्स को हम मीठा कहते हैं ठीक है और ये मोस्टली वीट फ्लोर से बनाया जाता है आटे से दूध से चीज़ से बादाम से काजू से और बाकी नट से बनाया जाता है कुछ मिठाइयाँ जैसे बर्फ़ी लड्डू रसगुल्ले गुलाब जामुन हो गए ये बहुत ही फेमस मिठाइयाँ हैं कुछ टाइप की जो मिठाइयाँ होती हैं वो इंडिया के हर पार्ट में अवेलेबल होती हैं केक और पेस्ट्रीज भी अब इंडिया में बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल इन आर कंट्री लाइक टू ईट सीरियल्स पल्सेस वेजिटेबल फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दीज पीपल आर वेजिटेरियंस जो लोग दाल हरी सब्जियां फल दूध से बनी चीज़ें खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं सम पीपल लाइक टू ईट मीट एग फिश एंड चिकन दीज पीपल आर नॉन वेजिटेरियंस जो लोग मांस मच्छी अंडे खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड चीज एंड बटर are liked everybody. Most food articles are cooked but some of them are like fruits and salads are eaten raw. We should not eat spicy or overcooked food. Our food should be balanced. The children must avoid junk food. It is not good for health. बहुत से खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पका के खाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी कच्ची भी खाई जाती हैं जैसे सैलड जैसे हम खीरा खाते हैं गाजर खाते हैं मूली खाते हैं इन्हें हम पका के नहीं खाते ये हमारा सैलड होता है और हमें बहुत ज़्यादा मिर्ची अपने खाने में नहीं डालनी चाहिए और ओवर कुक फूड भी नहीं खाना चाहिए ओवर कुक्ड फूड मीन्स जो ज्यादा पका हुआ खाना होता है और हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता नाउ इट्स टाइम फॉर टेट्स एंड बेट्स अ पर्सन हु ड नॉट ईट और यूज एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ अगेन नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजनस for example, apple cherries are grown in hilly areas like kashmir and coconuts are grown in coastal areas like goa and kerala. but they are easily available all, all over the country. this has been made possible because of the good network of roadways and railways in our country. food grains can be easily transported

और चेरीज होती हैं वो हिली एरियाज में ही उगाई जाती हैं जैसे कश्मीर और जो कोकोनट होते हैं जो नारियल होते हैं वो कोस्टल एरियाज में ही पाए जाते हैं जैसे गोवा और केरला पर ये पूरी कंट्री में अवेलेबल कैसे हैं ये हमारी पूरी कंट्री में अवेलेबल एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हैं हमारी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि वो बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है नाउ लुकिंग बैक द फार्मर्स इन अ कंट्री कैन ग्रो अ वेराइटी ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप मोस्ट पीपल लाइक टू ईट राइस पल्सेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स घी और वेजिटेबल ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग फूड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया There are vegetarians and non-vegetarians in our country. And the last one is spices make our food tasty. Now it's time to take your leave children. We'll meet in the next chapter. Bye.